इतना चाहता हूँ मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि इनका कसूर क्या है। सिर्फ ये कि ये बोलते ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इन्हें किस तरीके से काटा जा रहा है। कोई ऐसे जानवर को भी बाजार में नहीं काटता अपने। मैं पूछना चाहता हूँ इन बच्चियों का कसूर क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ इन बूढ़ी औरतों का, इन जवान मर्दों का, मेरी बहन बेटियों का कसूर क्या है। मैं कब तक ये खून का खेल नेट पर बैठ कर देखूं? या तो बंद कर दो ये सब कुछ, ये तमाशा नहीं देखा जाता मुझसे। मैं क्या जब इतने कमजोर हो गए जो नारा तकबीर अल्लाह ऊपर का नारा मारकर आग के दरिया में कूद जाते थे, लेकिन आज उनसे अपनी मौत बहनों को जुलूम देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी खामोश है। क्यों? क्या आज हम कमजोर हो गए? क्या आज हमें ईमान की दौलत वापस नहीं रही? क्या चीज की कमी आ गई? क्या मैं पूछना चाहता हूँ किसी का दिल गुर्दा इतना है? क्या खुदारा सच बताइएगा, अगर तुम्हारा बच्चा इस तरीके से आग में झोंका जा रहा होता, अगर तुम्हारी औलाद को इसे काटा जा रहा होता, क्या ये खामोशी तब भी होती? क्या ये खामोशी तब भी होती? क्या अब भी जहाद फर्ज नहीं हुआ? क्या अब भी जहाद के लिए बाहर नहीं निकलेंगे हम? मैं पूछना चाहता हूँ आज हमारे इख्तियार में है क्या? आज हमारे इख्तियार में है क्या? मैं खुद से कुछ कर नहीं सकता, मुझे कुछ करने दिया नहीं जा सकता। मैं सिवाय अल्लाह की बारगाह में ये कहने के, ऐ मालिक मैं परवरदिगार जो मेरे बस में आवाज उठा रहा हूँ, मेरे परवरदिगार जिसको तूने सबसे ज्यादा इख्तियार दिया, जो से आवाज दे रहा हूँ कि जनरल साहब इस बात का एक्शन लो और बड़ा सख्ती से लो। मेरी माओ बहनों का कत्ल मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि मुझे ये नजर आता है कि वो मेरी माँ है, कि वो मेरी बहन है, वो मेरे बच्चे हैं। अगर उस जगह पे मेरा बेटा होता तो मेरी क्या मेरी कैफियत ये होती?